अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी, वेलकम टू एम एस कैंपस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 20 जनवरी के करंट अफेयर्स को, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, तो दोस्तों इस सेशन को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक बने रहें, सेशन को एंजॉय कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। और बहुत बार क्या होता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है कुछ टेक्निकल एरर के कारण, तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं वीडियो का अपडेट और पीडीएफ दोनों डाल देता हूँ, तो आप अपने तैयारी को एक स्टेप ऊपर तक वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो सेशन को एंजॉय करते हैं, तो इस सेशन का हाँ, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आप आधा में छोड़ देंगे तो हो सकता है अपकमिंग क्वेश्चन का जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सके। तो प्लीज़ सेशन के लास्ट तक बने रहें। सेशन का पहला न्यूज केरला से है। 1+1 स्कीम, 1 IAS यहाँ का एक स्कीम है जो कि केरला के गवर्नर ने लॉन्च किया है। तो न्यूज हम लोग देखते हैं, तो केरला गवर्नर अभी लॉन्च किए हैं 1 School 1 IAS स्कीम। ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या होगा, देखते हैं। तो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज़ रोल्ड वैदिक इरोडिट फाउंडेशन 1 School 1 IAS स्कीम को लॉन्च किया है। तो केरला के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो केरला के जो CM हैं वो हैं पिनरी विजयन जी हैं, एंड गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ का जो कैपिटल है आपका वो है तिरुवनंतपुरम। और केरला के कुछ नेशनल पार्क जो आप नोट डाउन कर सकते हो और एग्ज़ाम में आएगा, स्टैटिक जीके सेक्शन में आएगा, इराविकुल्लम नेशनल पार्क, मतिकेतन सोलर नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड पम्मादूम नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ नेशनल पार्क को, इराविकुल्लम नेशनल पार्क, मतिकेतन सोलर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड पम्मादूम नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और ये क्या करेगा, ये 1 School 1 IAS स्कीम क्या करेगा, तो इट विल इम्प्रूव फ्री कोचिंग। ये फ्री कोचिंग देगा, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं बच्चे उनको फ्री कोचिंग देगा, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 10,000 मेरिटोरियस बट फिनंशियली वीक, जो भी फिनंशियली वीक स्टूडेंट हैं उनमें से चुने जाएंगे 10,000 मेरिटोरियस, जो भी मेरिट मारने वाले बच्चे हैं, सबसे तेज बच्चे हैं 10,000, उनको एडुकेशन के लिए कुछ फ़ीस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और क्या करेगा, इट विल गिव, ये देगा, क्या देगा, चिल्ड्रेन अ चांस टू कम्प्लीट रीडेकोरेट दियर फ्यूचर प्लान। जो भी अपना फ्यूचर छोड़ चुके हैं, मतलब जैसे 10, 12 या ग्रेजुएशन करके छोड़ चुके हैं और उनमें चाह है कि मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करूं, तो उनको हेल्प किया जाएगा। और बॉर्डन दियर हॉरिजेंटल टोटली रीराइटिंग दियर वैल्यू कैपिटल, अपना जो उनका वैल्यू है, जो अपना इमेज है समाज के प्रति, उसको चेंज करने का मौका दिया जाएगा। क्लियर है। और बेनिफिशियरीज विल बी सेलेक्टेड बाई द पैनल हेडेड बाई द हेड्स ऑफ एडुकेशन इंस्टीट्यूट। और ये चुना जाएगा, ये जो भी ये फ़ायदा किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, ये चुना जाएगा किसके द्वारा, जो भी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड रहेंगे उनके द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या आप इनको जानते हैं, अगर आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इनको जानते होंगे। आप सेशन को पोज करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कौन है, वैसे तो मैं अभी बताऊंगा ये कौन है। ये हैं विश्वजीत चटर्जी कन्फर्ड, अभी इनको चुना गया है IFF इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, विश्वजीत चटर्जी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इनको चुना गया है एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 51st एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज़ IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो इसका 51वां संस्करण है, तो उनमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। और ये एक्टर हैं,
ये एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं एंड सिंगर हैं हिंदी एंड बंगाली सिनेमा के। ये जो विश्वजीत चटर्जी जी हैं ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, क्लियर है। और वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC एक थर्मल पावर स्टेशन है जो कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है पूरे वेस्ट बंगाल में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में, और ये अभी अभी जो विश्वजीत जी हैं तो अभी अभी ये बहुत सारे फिल्म में रोल निभा चुके हैं, जैसे कुछ फिल्मों का यहाँ नाम है, 20 साल बाद, कोहरा, नाइट इन लंदन, किस्मत, चौरंगी जो कि 1968 में आया था, बहुत फेमस था फिल्म, एंड जय बाबा तारकनाथ जो कि 77 में फेमस हुआ था, और अमर गीति जो कि 1983 में फेमस था। तो ये फेमस मूवीज़ में ये अपना रोल प्ले कर चुके हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। तो रेलवे मिनिस्टर ने अभी अभी अप्रूव किया है न्यू आयरन ओर पॉलिसी 2021 का। न्यू आयरन ओर के बारे में, जो लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, ओके ठीक है, फिर है पाइरोसाइट, तो ये सारे अयस्क हैं, तो इसके बारे में नया एक पॉलिसी बनाया है। क्या बनाया है देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ अप्रूव्ड आयरन ओर पॉलिसी 2021 गवर्निंग एट द एलोकेशन ऑफ रेक्स, जो भी रेक्स लगते हैं, जो भी स्टेप बाय स्टेप इनके रेक्स लगते हैं, रेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, ओके। तो ये स्टार्ट होगा आपका 10 फरवरी 2021 से, क्लियर है। और ये क्या करेगा, इट प्रोविजंस विल बी अपडेटेड इन द रेक अलॉटमेंट सिस्टम, जो भी इनको रेक अलॉट होगा तो वो किसके द्वारा होगा, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ CRIS, सेंट्रल फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा होगा, ओके। और ERDM का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग लिख लो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेक मूवमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड, क्लियर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेक मूवमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि खेलो इंडिया का फर्स्ट संस्करण जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बिगेन टुडे, आज ही ये स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया का, क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ। फर्स्ट खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हैज़ बिगेन टुडे टू इंगेज द यूथ एंड ओपनिंग न्यू विस्तास ऑफ टूरिज्म इन जंस्कर, ओके। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। चादर ट्रेक जो भी ट्रेकिंग वगैरह होता है, तो चादर ट्रेक हैज़ बीन इनग्रेटेड टू किक स्टार्ट एंड सेट द टर्न फॉर फेस्टिवल फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एंड जंस्कर रिवर नियर संगम लेह के जो निकट संगम है, तो वहाँ पर दो क्षेत्र के बीच, एक तो इंडस था और एक जंस्कर था, तो उसके बीच स्केटिंग स्टार्ट हुआ है, ट्रेकिंग स्टार्ट हुआ है, ओके। और ये 13 दिन का फेस्टिवल है, ये 13 डे का फेस्टिवल है जो कि किया जाएगा न्यू एरनिया इन लद्दाख फॉर एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर के लिए किया जाएगा, एंड नेचर लविंग टूरिस्ट, जो भी नेचर को लव करने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए ये किया जाएगा। और ये बूस्ट करेगा, ये जो फेस्टिवल है ये बूस्ट करेगा किसको, बूस्ट फॉर लोकल यूथ टू होन अप स्किल्स इन विंटर स्पोर्ट्स, जो भी विंटर स्पोर्ट्स का जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ये हैं किरण मजुमदार सौ, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। किरण मजुमदार सौ अमोंग 3 new vice chairs ऑफ USIBS, तो ये क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो थ्री टॉप कॉरपोरेट लीडर्स हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ 2021 एज ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल, दैट इज़ USIBC।
ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल विथ इमीडिएट इफेक्ट। ओके, तो तीन नया बनी हैं वाइस चेयरमैन, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन है वो। तो पहला है किरण मजूमदार सौ, जो कि बाईकॉइन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, क्लियर है। सेकंड बनी है मिलिंद पंत, ये एमवे के सीईओ हैं। एंड एडवर्ड नाइट, ये थर्ड बनी है, जो कि वाइस चेयर हैं वो नसदक के। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, ये तीनों महिलाओं का नाम आपको याद रखना है। और दे विल नाउ वर्क विथ, वे तीनों के तीनों काम कर रहे हैं किसके साथ, USIBC प्रेसिडेंट एस निशा बिस्वाल के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके लिए कुछ एक न्यूज आया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो FSS FSS पार्टनर्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू प्रमोट फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे FSS पार्टनर्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। IPPB दैट इज़ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैज़ कोलाबोरेट विथ फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ, और ये प्रमोट करेंगे टू प्रमोट फिनेंशियल इंक्लूजन अमोंग अंडरसर्व्ड एंड अनबैंक्ड सेगमेंट्स, क्लियर है। और ये अंडर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विल यूज़ करेगा, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या यूज़ करेगा, FSS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम दैट इज़ AEPS, और प्रोवाइड क्या करेगा, टू प्रोवाइड इंटरोपरेबल एंड अफोर्डेबल डोर स्टेप्स बैंकिंग सर्विस टू कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। जो कस्टमर हैं उनके घर घर में जाके ये अकाउंट खुलवाने का काम करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे। इट विल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ अनबैंक्ड कस्टमर्स इनटू द फिनेंशियल मेन स्ट्रीम, क्लियर है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं गूगल डूडल ने अभी इनका, आप इनको देखो, तो इनका अभी फेस बना रही थी गूगल अभी दो दिन पहले, क्लियर। तो ये कौन है इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो गूगल डूडल ऑनर्स बास्केटबॉल इन्वेंटर, जो बास्केटबॉल के इन्वेंटर हैं, खोजकर्ता थे डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। तो इनका डूडल बना रहा था, डूडल मतलब होता है कार्टून वाला फेस, क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो गूगल डूडल ऑनर्ड द इलस्ट्रीशियस लेगेसी ऑफ बास्केटबॉल इन्वेंटर डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। ही वॉज कनाडियन अमेरिकन एंड वॉज अ प्रोफेसर, स्पोर्ट्स कोच एंड अ डॉक्टर ऑल्सो, एंड अ फिजिकल एडुकेटर एंड अ चेयर एंड अ क्रिश्चियन चैपलिन एज वेल। तो ये सारे चीज़ थे, क्लियर है। नैस्मिथ खोज किए थे किसका, गेम ऑफ बास्केटबॉल एंड रोट इट्स ओरिजिनल 13 रूल। ये बास्केटबॉल का खोज किए थे, बास्केटबॉल जो प्ले होता है उसका खोज किए थे, और ये 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स को ये लिखे थे इन द पेजेस ऑफ एक स्प्रिंगफील्ड कॉलेज न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द ट्राइंगल। तो इसके अंदर बास्केटबॉल के ये 13 रूल को लिखे थे, और ये पब्लिश कब हुआ था, 1891 में। और ये गेम को, जो बास्केटबॉल गेम है जिसके ये इन्वेंटर हैं, इस गेम को इंट्रोड्यूस किया गया 21 दिसंबर 1991 को ये इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, डिफेंस रिलेटेड है। तो USI दैट इज़ यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अभी स्टडी शोज किया है आर्मी लूजिंग मोर पर्सनल इन सुसाइड देन इनिमी एक्शंस। जितने लड़ाई के दौरान शहीद नहीं होते हैं सोल्जर, उतने पर्सनल सुसाइड कर रहे हैं। तो ये अभी न्यूज सामने आया है, तो देखते हैं इसके बारे में, ये बहुत ख़राब न्यूज़ है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया स्टडी सोज
मोर देन हाफ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सोनल सीम टू द अंडर सर्व स्ट्रेस, ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। हो सकता है कुछ फैमिली प्रेशर हो, या अपने ऑफिसर्स का कुछ प्रेशर हो, या किसी भी तरह का प्रेशर हो, वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो USI ने रिसर्च किया है अभी कि ड्यूरिंग 1920 का जो फिनंशियल ईयर था, उसमें कर्नल ए के मोर ने ये डाटा को रिलीज़ किया है। क्लियर है। आर्मी हैज़ बीन लूजिंग मोर पर्सोनल ईच एंड एवरी ईयर ड्यू टू सुसाइड्स, फ्रैट्री साइट्स ओके एंड अनटोवर्ड इंसिडेंस। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। प्रोलोंग्ड एक्सपोजर ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल टू काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म इन्वायरमेंट हैज़ बीन वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स फॉर इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। जो भी इंसर्जेंसी होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म इन अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो इन द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर। छत्तीसगढ़, राजस्थान ऑल्सो। ठीक है। तो ये सब जितनी भी स्ट्रेस वाले बॉर्डर हैं, तो इसमें प्रेशर के कारण स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे हमारे सैनिक सोल्जर जो अद्भुत त्याग के प्रतीक हैं, तो उनको सेफ किया जा सके। क्या आप इनको जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि हु इज़ ही। ओके। तो देखते हैं, ये हु इज़ नॉट हु वाज, क्योंकि ये पास्ट अवे हो गए हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। ये है इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। अभी इनका देहांत हो गया है। तो ये लेजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिनका एज हो रहा था 89 ईयर्स के ये थे, अभी इनका देहांत हो गया है मुंबई में। क्लियर है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये रामपुर सहसवान घराना से ये बिलोंग करते थे, ये यहाँ से बिलोंग करते थे। और इनको अवार्ड भी मिल चुका है, इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है। तो पहला अवार्ड इनको मिला था पद्मश्री का 1991 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है, पद्म भूषण का अवार्ड 2006 में मिला है, एंड पद्म विभूषण का अवार्ड 2018 में मिला है, एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ये मिला है आपको 2003 में। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और इनको चुना गया था किसके लिए? नेशनल तानसेन सम्मान के लिए। और ये सबसे बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट लेवल का ये सम्मान है साइंस के मीन्स सॉन्ग्स के संगीत के मामले में, संगीत के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट सम्मान है नेशनल तानसेन सम्मान, जो कि इनको 2018 में मिला था। तो बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, इसके बारे में कुछ न्यूज हैं, देख लेते हैं। तो आज के दिन नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के लिए स्टार्ट किया गया। तो देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक और क्या है इसमें न्यूज। तो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ हैज़ बीन इनोग्रेटेड, उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली टुडे टू डिसेमिनेट अवेयरनेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। जो भी भारत में सड़क दुर्घटना होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये मंथ को मनाया गया, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। क्लियर है। और ये कौन किया? तो डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी डिफेंस सेक्रेटरी हैं। क्लियर है, ये चीज़ों को याद रखनी है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी अभी इसको लॉन्च किए हैं, ये सेशन को लॉन्च किए हैं नेशनल रोड सेफ्टी मंथ को। तो कौन कौन मिलके किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री से राजनाथ सिंह एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर से नितिन गडकरी। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। इट विल ऑब्जर्व
लॉन्च ऑफ अ फिल्म ऑन रोड सेफ्टी नेशनल चैम्पियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज फ्रॉम वाघा बॉर्डर से कहाँ से कहाँ तक, वाघा बॉर्डर से कन्याकुमारी तक, वाघा बॉर्डर से कन्याकुमारी तक, एंड ये देगा टुवर्ड्स रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के बारे में ये बताया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन दैट इज स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ टू बी नेम्ड आफ्टर रिनॉन्ड एथलीट्स। ओके, स्पोर्टिंग जो स्पोर्ट्स के फैसिलिटी रहते हैं तो वो जो सबसे नामी एथलीट हैं उनको दिया जाएगा। क्लियर है? तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अभी इनके, ये अभी कौन संभाल रहे हैं, किरण रिजिजू जी संभाल रहे हैं, ये मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है टू नेम ऑल अपकमिंग अपग्रेडेड स्पोर्टिंग फैसिलिटीज ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आफ्टर रिनॉन्ड एथलीट्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स इन इंडिया। जो भी भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाए हैं तो उनको स्पेशल फैसिलिटी दिया जाएगा स्पोर्ट्स के लिए कि वो आगे अच्छे से खेल पाएँ और भारत के लिए मेडल जीत पाएँ। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। एट फर्स्ट न्यूली बिल्ट एयर कंडीशनड रेसलिंग हॉल जो फाइट के लिए, जो बॉक्सिंग के लिए उनको हॉल मिलता है वो फुल्ली एयर कंडीशन से भरा हुआ होगा। एंड लर्नर्स स्विमिंग पूल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो कि लखनऊ में है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, स्विमिंग के लिए। एंड हंड्रेड बेडेड हॉस्टल इन एनसीओई जो भोपाल में है उनमें प्रोवाइड किया जाएगा 100 बेड को किसके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। एंड मल्टीपर्पज़ हॉल एंड गर्ल्स हॉस्टल इन एनसीओई सोनीपत में एनसीओई में गर्ल्स हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। विल बी नेम्ड आफ्टर लोकल स्टार स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी लोकल स्टार स्पोर्ट्स पर्सन है उनके नाम पर, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम कमा चुके हैं या कमाना चाहते हैं और वो बेहतर खिलाड़ी हैं तो उनको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सपोर्ट करें मेरे को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को एंजॉय कीजिए और सारे सोशल मीडिया पर फैला दीजिए। बस फैला देना है और पढ़ लेना है, शेयर करो या ना करो बस, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।